everyone, how are you doing? I hope you all are good, and let's start this vlog without further any delay. If you are new on my channel, please subscribe it. If you like the video, please hit the like button. Share to your loved ones, comment zarur karte raha karo. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out. सो हे एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आज मैं दोबारा बैठ गई थी सुबह स्कूल जाने से पहले. मैंने सोचा पढ़ते हैं, बट येस, मेरा थोड़ा सा काम बचा था और क्या पता कॉपी भी चेक हो सकती थी, तो मैंने जल्दी से अपना हिंदी का काम करा और थोड़ा सा ही बचा था, इतना ज़्यादा भी नहीं था. मतलब हाँ, 5-6 क्वेश्चंस थे और वो छोटे छोटे थे और एक दो ही बड़े थे, तो आई हैव टू डू दैट. और क्या पता कॉपी चेक हो जाए, स्कूल में नहीं होगी तो कभी ना कभी तो होगी, तो उस दिन बर्डन लेने से अच्छा तो मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं. और That's it. I was doing that only. इतना टाइम हुआ नहीं था मुझे काम करते करते, बट मम्मी यहाँ पे ले आई थी नींबू पानी, which was tasty. आप सबके लिए एक बात है यार, मतलब लाइक तुम्हारे कमेंट्स इतने कम आने लग गए हैं ना. इफ़ यू लॉस्ट योर एक्टिवनेस, सो व्हाट आई विल डू यार, तुम्हारी एक मोटिवेशन मिलता है इतने सारे कमेंट्स को पढ़ के और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ते, तो कमेंट्स यार कम मत करा करो. एंड येस, फ्रॉम योर कमेंट्स आई विल बी मोटिवेटेड. और आपको इतना अच्छा और प्यारा कंटेंट जो भी आपको पसंद आता है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है बेटर क्वालिटी में आगे जाके. सो टिल देन प्लीज़ डू कमेंट्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. तक तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखो एंड देन डू योर कमेंट्स. आई विल बी वेटिंग. फास्ट लर्निंग 1245 ने पूछा है कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने टॉपिक्स या चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो मैं बता दे रही हूँ कि मैंने बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया है. मतलब लाइक मैंने नोट्स प्लस एक बार पूरा पढ़ लिया है उसे, अब रिविजन इज़ मस्ट. और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट से पूरी समझ के कर भी ली है बहुत बार 30 डेज चैलेंज में. अगर आप नहीं थे तो एक बार जाके देख लो. एंड देन मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 भी करी, बट इतनी बार नहीं करी और वो मुझे करनी भी है बहुत बार, बट कभी उसे करेंगे. पर अभी मैंने मैथ्स में फिर चैप्टर 1, मतलब ये तो चलो स्कूल में पहले से ही करवा रखे थे, पर मैंने जितना कर लिया मैं वो बताती हूँ. और फिर उसके बाद साइंस में मैंने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कर लिया है, प्लस उस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में कर लिया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में भी बहुत सारे चैप्टर्स की एनिमेटेड वीडियोस प्लस लाइक अपना पूरा जिस्ट देख ली है. और हिंदी में भी मैंने रीडिंग लगाई है. और मतलब ये मैं आपको 30 डेज चैलेंज की बात बता रही हूँ, उसके बाद तो फिर मैं घूमने चली गई थी. फिर उसके बाद और अभी 40 डेज चैलेंज चल रहा है, पर 30 डेज चैलेंज तक मतलब ख़त्म होने तक मैंने इतना सब कुछ कर लिया था, अभी बता रही हूँ मैं आपको ये सब. और फिर मतलब मैंने इंग्लिश की भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी जिस्ट पता करने के लिए, मतलब पूरा समराइज वे में क्या चैप्टर बताना चाह रहा है. क्योंकि बाद में समरी मतलब जब पूरी पता चल जाती है ना, तो चैप्टर हमें अच्छे से समझ आता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो. और अगर पढ़ भी लिया है तो फिर भी मतलब बहुत अच्छे से चमक जाएगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा. और फिर ज़्यादा तो मैं कहूँगी नहीं इंग्लिश में, मतलब मैंने ज़्यादातर सबकी देख ही ली थी वीडियोस सारे चैप्टर की, बट सारे चैप्टर तो बस बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं, हाफ ईयरली में तो आएंगे नहीं, बट लेट इट बी, कभी तो वो काम आएंगे ही, ठीक है. और फिर उसके बाद मैंने SST में मैंने वाटर रिसोर्सेज कर लिया है. और फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का है वाटर रिसोर्सेज, और मैंने वो भी कर लिया है
प्रिंट कल्चर एंड लाइक लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, उसका आधा कर लिया है मैंने और फिर अभी सर आधा करवा ही रहे हैं. आई डू इट कम्प्लीटली व्हेन इट विल बी फिनिश्ड इन आवर स्कूल, और फिर उसके बाद पूरा अच्छे से पढ़ के प्लस नोट्स बना के आई डू रिविजन. और इतना सब कुछ तो चलो मैंने कर भी लिया, और अभी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स और लाइक चैप्टर्स भूल भी रही होंगी, बट लेट इट बी. पर मैं एक बात कहूँगी एंड में कि रिविजन इज़ मस्ट. रिविजन तो यार भले ही हम एक चैप्टर पढ़ें, इतना सब क्वांटिटी में, क्वांटिटी इज़ नॉट दी फर्स्ट प्रायरिटी, क्वालिटी इज़ दी फर्स्ट प्रायरिटी. लाइक मतलब क्वालिटी वर्क होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी वर्क. ये मैंने आपको कितनी बार कहा है अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते आ रहे हो तो. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, पहले तो थैंक यू सो मच. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. मैं स्कूल से पहुंच भी गई थी और फिर मैंने जल्दी से लंच भी कर लिया था. और यार मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जैसे आज ना मतलब मेरे को इंग्लिश की फ़ाइल ले जानी थी क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छी बनी थी और वो हमें कोऑर्डिनेटर को दिखानी थी फिर उसके बाद. बट जैसे अब इतने दिन तो हमारी छुट्टी हो गई थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हो 40 days वाला भी, उसमें बारिश हो रही थी तो मोस्टली ऑनलाइन क्लासेज ही हुई. तो फिर अब फिर इतना टाइम हो गया था, लास्ट डे कब बोला था जब हम लास्ट दिन गए थे, अब से मतलब टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया मतलब ऑलमोस्ट. तो फिर अब इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक फाइल इन फ्रंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, और अब तो नंबर भी मिल गए होंगे. हाँ तो मतलब फिर मैं आज ले भी गई थी, बट जैसे ही मैं घर पहुंची और जैसे ही मैंने अपनी फाइल देखी, एंड इट वाज लाइक पूरा बाहर का कवर पानी से मतलब एकदम लथपथ. और मैंने तो दिखा भी दिया है आगे अगर आप इस वीडियो व्लॉग को ढंग से देख रहे हो तो. हाँ और मतलब एकदम ऐसे अजीब सा ही कवर हो गया था. और मेरे को तो अब मतलब वो तो अच्छा है कि जब पहले मतलब आज तो मांगी नहीं, वो अच्छी बात है, बट अगर अब मांगेंगे भी तो अब आई विल नॉट गिव. और अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता मांगेंगे फ़ाइल अब, बट ये सही है कि चेक हो गई है मेरी फ़ाइल और नंबर तो अब चढ़ी गए होंगे. बट अब वही मेरे को दुख हो रहा है कि अब मैं रखूँगी भी इस फाइल को, तो बाहर का कवर इतना बेकार हो गया है ना. बट कोई बात नहीं, इट्स एडिंग न्यू लुक टू इट. Stop being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. स्कूल से आने के बाद मैंने जल्दी से अपना होमवर्क करा, और मेरी आज पहली जो क्लास थी 5:30 वाली वो भी कैंसिल हो गई थी. तो फिर मैंने थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा पढ़ा दीदी से, उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा था वो पार्ट. एंड फिर मैंने दोबारा अपना होमवर्क करने बैठ गई थी क्योंकि SST का होमवर्क वॉज़ वेरी वेरी लॉन्ग, नहीं बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा था. और ऐसा नहीं है आज मेरा हो गया, और देर इज़ नो सच टाइम लिमिट फॉर कम्प्लीटिंग दैट होमवर्क क्योंकि अभी सर ने बोला नहीं है वी हैव टू डू इट, बट वो ज़रूर सर कहेंगे. और सर ने ग्रुप में भी भेज दिया है स्कूल के काम, तो आई हैव टू डू इट. एंड अगर अब नहीं करूँगी तो फिर जब सर मांगेंगे तो तब बर्डन हो जाएगा, एंड फिर सर एक दो दिन का तो टाइम देते हैं बट एक दो दिन में वो नहीं हो पाएगा काम. तो इसीलिए आज मेरे से जितना भी हुआ वो मैंने करा. फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस फिर से बैलेंसिंग के प्रैक्टिस करे क्योंकि बैलेंसिंग यार बहुत लाइक अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे. और मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बैलेंसिंग इज़ टफ़, बट यू हैव टू ट्राई इट एंड डू रिविजन ऑफ ऑल द बैलेंसिंग क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और प्लस योर PT1 और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है मैं ये कह दूँ ये आ सकता है ये आ सकता है, हर क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू एवरी क्वेश्चन. तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन नेट से निकाल के एक A4 शीट में लिख के बाद में सॉल्व करती हूँ क्योंकि यार मेरा ना ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम हो जाता है सारी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद. वैसे आज फ़िलहाल कोई क्लास नहीं थी, बट स्कूल का होमवर्क भी आई हैव टू डू फ्रॉम लाइक टैबलेट और फ्रॉम स्क्रीन ओनली, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ स्क्रीन टाइम. तो
अभी यहाँ पे रख रही थी मैं अपने टाइम टेबल एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू लाइक द व्लॉग प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट. शेयर योर लव एंड कमेंट जरूर करते रहा करो. तब तक के लिए बाय बाय.